अस्सलाम वालेकुम गाइस, और वेलकम करता हूँ आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि हमें कितनी जॉब्स पे डेली अप्लाई करना चाहिए और कितने कनेक्ट्स हमें परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो इस कनेक्ट्स को परचेज करने के पीछे जो मैथ्स है वो मैं आज आपको बता देता हूँ, ताकि आप उसकी बेसिस पे डिसीजन ले सकें और कितने जॉब प्रपोजल आप भेज सकते हैं और कितने कनेक्ट्स आपको लेने चाहिए, तो ये आप हमेशा कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकते हैं और इसका जवाब आप खुद निकाल सकते हैं। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कितने कनेक्ट्स लूँ और क्या करूँ। ठीक है, ये सारा डिसीजन जो है ये डिपेंड करता है इस कैलकुलेशन के ऊपर, और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आ जाती है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कनेक्ट्स के लिए पूछने के लिए। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक जहन में एक बात रख लेते हैं कि अपवर्क जो है वो फ्री नहीं है। अपवर्क पे आप फ्री प्रपोजल्स नहीं भेज सकते, अपवर्क पे आपको पेड प्रपोजल ही भेजने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको जहन में रखना है कि आप अपवर्क पे जॉब लेने के लिए आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। जैसे हर बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, इसी तरह यहाँ अपवर्क पे भी आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। फाइवर की तरह ये फ्री नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए अब देख लेते हैं क्या मैथ है और कितने आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करनी पड़ेगी। तो एक कनेक्ट जो है वो हमें अपवर्क देता है 15 सेंट्स का। ठीक है, तो ये हम सारी बात जो बात कर रहे हैं वो डॉलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूएसडी की बात कर रहे हैं। तो हमें एक कनेक्ट जो है वो मिलता है 15 सेंट्स का। ठीक है, डे एक जॉब जो है, जो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एक जॉब 2 कनेक्ट्स भी लेती है, 4 कनेक्ट्स भी लेती है, 6 कनेक्ट्स भी लेती है। ये डिपेंड करता है किस लेवल की जॉब है। तो इस तरह अगर आप उन जॉब्स पे अप्लाई करते हैं जो कि 2 कनेक्ट्स आपसे लेती हैं, तो उस पे एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको 30 सेंट्स लगेंगे। ठीक है, एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए 30 सेंट्स लगेंगे। अब आप डेली जो है, डेली कम से कम, अगर आप न्यू भी हैं, अगर आपके पास जॉब्स नहीं है या आपने दोबारा से रिस्टार्ट किया, जो भी आपका सिनेरियो है उस पे आप ये याद रखें कि आपने डेली जो है वो एटलीस्ट 5 प्रपोजल्स आपने भेजने हैं। ठीक है, 5 प्लस हो सकते हैं, 5 लेस देन 5 नहीं हो सकते। 5 से ज़्यादा आप प्रपोजल भेज सकते हैं, लेकिन लेस देन 5 आपने प्रपोजल नहीं भेजने। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। तो एक जॉब पे 2 कनेक्ट अगर लगते हैं और उसके आपको चार्जेस लगते हैं 30 सेंट्स, तो अगर आप डेली 5 जॉब्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो गाइज़ ये आपके डेली लगेंगे $1.5। ठीक है, $1.5 लगेंगे, और आज के हिसाब से अगर आप देख लें कि $1.5, $1 जो है वो 200 रुपीज़ का है, तो $1.5 जो है वो कितने का होगा। तो $1.5 जो है वो आपके PKR 300 रुपीज़ बनते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप रोज़ 5 जॉब्स पे अप्लाई करते हैं जो कि 2 कनेक्ट्स मांगती है, 5 जॉब पे अप्लाई करने के लिए रोज़ के 300 रुपये लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको कितने कनेक्ट्स चाहिए, तो अब इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आपने $1.5 के आपने कनेक्ट्स लेने हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 कनेक्ट्स ही हर जॉब मांगे। हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब पे अप्लाई करना चाहें जो कि 4 कनेक्ट्स लेती है। तो गाइज एक कनेक्ट जो है वो जैसे 1.5 का है, अब एक जॉब पे जो 4 कनेक्ट्स लेती है, ठीक है, तो उस पे आपको 4 कनेक्ट्स भेजने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको 60 कनेक्ट्स जो है वो एक जॉब आपकी लेगी। ठीक है, इसी तरह अगर आप 60 कनेक्ट्स वाली जॉब जो है वो 5 अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आपके $3 लगेंगे रोज़ के। इसका मतलब है कि आपको $3 के रोज़ कनेक्ट्स लेने पड़ेंगे, तो आप 4 कनेक्ट्स वाली 5 जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और $3 जो है वो आप 200 रुपये के हिसाब से आप लगा लें तो ये पाकिस्तानी 600 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो आपने 600 रुपये रोज़, अगर आप 4 कनेक्ट्स वाली जॉब अप्लाई करें तो आपके 600 रुपये लग सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 4 कनेक्ट्स वाली 5 जॉब लें या 2 कनेक्ट्स वाली 5 जॉब लें। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है कि हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 600 रुपये और ये 200 रुपये हो सकता है। वो इसलिए हम एवरेज निकाल रहे हैं क्योंकि हो सकता है कुछ जॉब 2 कनेक्ट्स की हों, कुछ जॉब 4 कनेक्ट्स की हों,
तो इसका एवरेज निकाल लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि डेली बेसिस पे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कितने कनेक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 600 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो आपके ये बनते हैं 600 प्लस 300 900 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनते हैं 450 रुपये। तो गाइज आपके 450 रुपये रोज़ लगने हैं तब जाके आपको जॉब्स मिलेगी। और ये आप जहन में बिठा लें कि जब तक आपको जॉब नहीं मिले, जब तक आपका एक इनविटेशन अपर की तरफ से आना ना शुरू हो जाए, जब तक आप कुछ अच्छी जॉब्स ना ले लें, तब तक आपको ये पैसे रोज़ लगाने पड़ेंगे। 400 से 500 रुपए आपके रोज़ लगेंगे, ठीक है। तो अगर इतना आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपवर्क पे आइए और काम कीजिए, क्योंकि अपवर्क पे कंपटीशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये हर वक्त ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। आप अगर एक महीना भी रेगुलरली 5 प्रपोज़ल भेज देते हैं तो आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, और ये सारे पैसे जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारी इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो रिकवर हो सकती है। आपकी एक ही जॉब से ये सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो सकती है अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाए तो, नहीं तो आपको जो है थोड़े टाइम बाद ये सारी इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न मिल जाएगी। आपको अच्छे जब प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, तो आप ये सारे के सारे पैसे जो हैं वो रिकवर कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है, पैसे भी लगाने पड़ेंगे आपको, मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पैसे कमाना आसान बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको सब कुछ लगा के एक प्रॉपर बिजनेस की तरह इसको लेके चलना है, तब जाके आप अच्छी इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इस चीज़ में डिस्करेज नहीं कर रहा, ये अमाउंट देख के हो सकता है बहुत सारे लोग डिस्करेज हो जाएं, लेकिन आपको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल कंडीशन बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप एंड ऑफ द डे बोल रहे होंगे कि यार इतने पैसे लग गए और जॉब नहीं मिली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट में अपने आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके देन, वीडियो को एंड करते हैं, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।